कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय बबीता जैन, श्री प्रगति कुमार जैन, श्री आदित्य जैन, श्रीमती आशिका जैन, ग्वालियर, मध्य प्रदेश, डॉक्टर ऋतु जैन, एमएस गायनेकोलॉजिस्ट, डॉक्टर एमपी जैन, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, वर्धमान मेडिकेयर सेंटर, 239 सेक्टर, गुड़गांव, एडवांस सेंटर ऑफ लेप्रोस्कोपी, IVF, ICSI एंड चाइल्ड केयर। राजस्थान का प्राचीनतम अतिशय क्षेत्र भुसावर, जहां पद्मासन मुद्रा में विराजमान है 1500 वर्ष प्राचीन अतिशयकारी प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ की प्रतिमा। भरतपुर जिले से करीब 60 किलोमीटर दूर बयाना से 30 किलोमीटर एवं महावीर जी से 60 किलोमीटर और मथुरा 84 से 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस क्षेत्र पर पूर्व में भैरे में विराजित एवं वर्तमान में नवनिर्मित मंदिर में विराजमान इस प्रतिमा जी के दर्शन मात्र से जहां भक्तों के मन को असीम शांति मिलती है, तो वहीं समस्त बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। और यही कारण है कि दूर दूर के श्रद्धालु प्रतिदिन यहां आकर भगवान के दर्शन वंदन करने के साथ साथ अभिषेक एवं शांति धारा का पुण्य लाभ लेकर अपने जीवन का सर्वोच्च पुण्य अर्जित करते हैं। ऐसी मान्यता है कि पूर्व में ये मंदिर टीले के रूप में स्थापित था, जिसके अवशेष मंदिर जी में आज भी विद्यमान हैं, जिसका साक्षात उदाहरण क्षेत्र में मूल नायक भगवान के अलावा मुगल काल से भी पूर्व की कई प्राचीन प्रतिमाएं हैं, जिनके दर्शनों का लाभ भी भक्तों को हमेशा मिलता रहता है। अतिशिकारी क्षेत्र पर निर्मित किए जा रहे भव्य विशाल मंदिर जी को दिव्य रूप देने के लिए कार्य प्रगति पर है, जिसमें आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। तो आप भी अपने परिवार एवं इष्ट मित्रों के साथ क्षेत्र पर पधारकर भगवान आदिनाथ के अभिषेक शांति धारा एवं दर्शन कर पुण्य लाभ लेकर तन मन धन से मंदिर निर्माण में सहयोगी बने। अभिषेक एवं शांति धारा कराने के लिए संपर्क करें श्री विमल चंद जैन 8432702149, श्री अनूप चंद जैन 9783411011, श्री राजेश जैन 9667883816। दान एवं सहयोग राशि देने के लिए दी गई डिटेल्स नोट करें। ओम नमो अर्जे भगले भगवान के जला अभिषिंचामि नमः स्वाहा। ओम नमः सिद्धेव्या, ओम नमः सिद्धेव्या, श्री वीतलाकाय नमः। ओम नमो अर्जे भगवते श्रीमदे ऋषभदेव चंद्राय द्वादश गणपतिवेश्वराय शुक्ल ध्यान प्रभुजाय सौभाग्याय स्वयंभुए सिद्धाय बुद्धाय परमात्मे परम सुखाय त्रैलोक में व्याप्ताय अंसा चक्रवर्णाय आनंद दसराय आनंद ज्ञानाय आनंद वीर्य आनंद सुखाय सिद्धाय बुद्धाय अष्टादश दो सत्यवासियों को सुखताय त्रैलोक संग्राय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे उत्सव विनाशनाय घाते कर्मनाशनाय अघाते कर्मनाशनाय तीनकम नौ करोड़ मुनि उत्सव विनाशनाय मुनि आयिका श्रावक रायिका बच्चे श्रावक उत्सव विनाशनाय भरत कुमार कृष्णा भूवेन्द्र कुमार महेंद्र कुमार भूमकदेव लक्ष्मी कुमार विशुद्ध कुमार लक्ष्मीलाल वर्षा कुमार। एक वर्ष की शांति धारा के पुण्यार्थक श्रीमान श्री बच्चू सिंह जी जैन, श्रीमती गीता जैन, अनिल जैन, श्रीमती अन्नू जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु अर्पण जैन, श्रीमती पायल जैन, नित्यम जैन, अर्पित जैन, अश्वी जैन, श्रीमती अर्चना जैन, कुमारी स्वस्ति जैन, वीरवाणी जैन, अनिल राखी परिवार, सबकी सुख समृद्धि एवं दुख निवारण हेतु मंगल कामना निवासी अलवर एवं मीना जैन, रेखा जैन, कामेश जैन, पूनम जैन, हार्दिक जैन, स्वास्थ्य लाभ एवं सुख समृद्धि हेतु मंगल कामना निवासी दिल्ली एवं श्री आलोक जी जैन, हर्षित जी जैन, हिमानी जैन, प्राची जैन निवासी नोएडा एवं श्री अद्विक जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्री सुरेंद्र कुमार जैन, ऋषभ जैन, सैफाली जैन, अद्विक जैन, आद्या जैन निवासी मवाना एवं श्रीमती शकुंतला बाकलीवाल, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री महावीर प्रसाद जी बाकलीवाल, गुंजन जैन, गुड्डत जैन निवासी ब्यावर एवं श्री तेजपाल जी जैन, श्रीमती पुष्पा देवी जैन, रोहित जैन, राजीव जैन सपरवार निवासी बारसोई कटिहार एवं श्री प्रदुमन जैन, सोमन जैन, सोनू जैन, स्वीटी जैन, अक्षय जैन, भव्या जैन, डिंपल जैन, सिंपल जैन, अंकिता जैन निवासी दिल्ली एवं श्री सुधीर जी जैन, अंशुल जैन सपरवार निवासी बालूगंज आगरा एवं श्री राहुल जी जैन के जन्मदिवस पर कुमकुम जैन, प्रिया जैन, मेघवाल, कृति सपरवार निवासी अंसारी रोड दिल्ली एवं श्री राजेंद्र कुमार, राजेंद्र प्रसाद जैन, तरुण कुमार जैन सपरवार निवासी होडल एवं श्री महेंद्र कुमार जैन, शांति कुमार जैन, हरजांश जैन, जितेंद्र जैन समस्त परिवार निवासी अलवर एवं श्री सुभाष चंद जी जैन, सार्थक जैन के जन्मदिवस पर श्रीमती उर्मिला जी जैन, सुभाष जैन, प्रज्ञा जैन, आश्वी जैन निवासी गुड़गामा एवं श्री सुभाष चंद जी जैन, संजय जैन, बिमला जैन, रेखा जैन निवासी अलवर एवं श्री बंगाली मल जैन, मुकेश जैन, यशु जैन, सुशीला जैन, शशि जैन, बानु जैन सपरवार निवासी सेवर भरतपुर एवं श्री सत्येंद्र कुमार जी जैन सपरवारस निवासी सिकोहाबाद आगरा पुजारीगण दर्शनार्थीगण। ओम सुदर्शन महाराज चक्रिकम तेजोभा सौर्य शांतिम सौ जनानंदम सौ भव्यानंदम सौ गोकुलानंदम सौ ग्राम नगर खेल करबंड मोक्ष सौ देशानंदम
सलोकानंदम यजमानंदम सर्व दुख हन हन भय दय पद पद कुट कुट शिखरम शिखरम जय सुगम श्लोक श्री व्याधि वर्धम वर्धम अभियम क्षे मारोग सस्ते श्री मतु तीन कम नो करुण मुनिंद आरोग मतु मुनि आयिका सावक सावका प्रति सावक आरोग मतु भरत कुमार कृष्ण लाभ भूपेन कुमार मानक भूमिका देवी लक्ष्मी कुमार राजकुमार अजित कुमार उत्सव कुमार भूषावर मंदिर सकल समाज से धनधान सरास्तु इसम्बरस्तु आरोग्यमस्तु धर्मवर्धाम श्रीवर्धाम व्यापार वर्धाम ऋषि शीतल वर्धाम मोक्ष प्रसाद भवतु मन समाधि भवतु चतुर्गति निवारण भवतु सौभाग्य भवतु सुयश भवतु सद्बुद्धि भवतु सुप्रणाम भवतु रत्न तिलक प्राचीन भवतु मुनि आयका श्रावक श्रावक प्रति श्रावकों से निर्वघ्न आहार भवतु चंदा प्रभु वासपूज मल्ली वर्धमान पुष्पन शीतलनाथ मुनिनाथ नेमनाथ पासनाथ चतुर्थ नवग्रह संत गंधोधक धारा वर्धाम ओम नमो अर्ते भगवते कल्पनाय दिव्य तेजो मूर्ति आयतना आचित संग्राय स्वशांतिनाथ संग्राय स्वशांति कराए रोगा प्रतिविनाशाय श्याम राम विनाशाय पुण्य प्रकाशाय पाप प्रणाशनाय राम ह्रीम रूम रोम रे अशी अवसा सर्व संघर्ष शांतिम तुष्टिम पुष्टिम कुरु कुरु वस्त स्वाहा संभोजगानाम नाम देश राक्षस पुरस्य राज्य करोतु नान्दे भगवजिनेन्द सावर के अंदर एक बहुत प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर है। वो कम से कम 1800 साल पुरानी प्रतिमाएं हैं और उसका अतिशय बहुत है। हम कई बार वहां दर्शन करने जाते हैं तो ऐसा लगता है कि भगवान के सामने बस बैठे रहो, वहां से उठने की इच्छा नहीं करती। और वहां पर पहले नीचे गुफा में बैठ भगवान की मूर्ति थी, फिर उसको धीरे धीरे उनकी समझ में आया के मंदिर बड़ा होना चाहिए, तो बाबा की बड़ी कृपा रही, इतना बढ़िया मंदिर बना करके तैयार किया उन लोगों ने। वहाँ मात्र तीन घर हैं अभी, तो तीन घरों ने इतना बढ़िया मंदिर बना के तैयार किया है कि आप लोग अगर दर्शन करने जाओगे तो ऐसा कहोगे कि हम स्वर्ग में आकर के विराजमान हो गए। जब भगवान की तीनों वेदियाँ हैं, उन तीनों वेदियों में भगवान विराजमान हैं। अति प्राचीन मंदिर है और अति प्राचीन इतनी सुंदर मूर्ति हैं, उनका दर्शन करते ही ऐसा लगता है कि बस। कई लोगों के यहाँ पर मनोती मानते हैं, वहाँ जाते भी हैं, दर्शन करते हैं, अभिषेक करते हैं, शांति धारा करते हैं, और उन लोगों ने अपने जो कार्य अधूरे पड़े थे उन सभी लोगों के कार्य पूर्ण हुए हैं। आप भी वहाँ दर्शन का लाभ लें और अतिशय का। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय बबीता जैन, श्री प्रगति कुमार जैन, श्री आदित्य जैन, श्रीमती आशिका जैन ग्वालियर मध्य प्रदेश, डॉक्टर ऋतु जैन MS गायनेकोलॉजिस्ट, डॉक्टर MP जैन चाइल्ड स्पेशलिस्ट वर्धमान मेडिकेयर सेंटर 239 सेक्टर गुड़गांव, एडवांस सेंटर ऑफ लेप्रोस्कोपी IVF ICSI एंड चाइल्ड केयर।